हेलो गाइस, वेलकम टू सॉफ्टवेयर होप चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने साइड बार को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। प्रीवियसली वीडियो में हमने देखा था पोस्ट को किस तरह से लिखा था, ये भी देखा कि टेबल ऑफ कंटेंट को किस तरह से लेके आते हैं और किस मैनर में हम अपना ब्लॉगिंग करते हैं वो पूरा अच्छे से देखा था। हम अपना इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग किस तरह से करते हैं, उसके साथ हमने ये भी देखा था कि हम H1, H2 और H3 को किस तरह से हेडिंग को कलर चेंज कर सकते हैं और रखते हैं हर जगह पे, जैसे कि H1 के अंदर H2 होना चाहिए, उसके बाद H2 के अंदर H3, ये सब सारी चीजें सीख लिए थे। उसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा मेन्यूज होते हैं वो किस तरह से हमको बनाने हैं और उसको लिंक कैसे करने हैं पेजेस से, और उसके अलावा हमने ये भी देख लिया है कि किस तरह से हमने फुटर्स को अरेंज करते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे साइड बार किस तरह से एडिट करते हैं। तो फिर ज्यादा देर ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो वर्डप्रेस हम इंस्टॉल करते हैं तभी हमारा जो साइड बार आता है वो किस तरह से आता है। देखिए, मैं एक डैशबोर्ड पे आ गया, XYZ नाम रखा है मैंने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह से होस्टिंग फ्री में क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली विजिट पे आ गया मैं। विजिट पे आ जाएंगे तो देखेंगे तो इस तरह से हमारा साइड बार जो होते हैं, ये देखिए मेन साइड बार इस तरह से दिख रहा है। वर्डप्रेस का न्यू मेथड है दिखाने का, लेकिन हमको ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है और हम पहले वाला जो था वो और अच्छा लग रहा था, सिर्फ हमको ड्रैग करके यहाँ पे रखना पड़ता था। अभी वो फीचर यहाँ से निकाल दिया है, अगर आपको यूज करना है तो ये यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं एक आपको प्लगइन बताता हूँ जिसका यूज करके आप लुक वाइज सिर्फ ड्रैग डाउन वाला फीचर यूज कर सकते हैं। ये देखिए लुक वाइज ये प्लगइन किस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे हमारा साइड बार है, हम सिंपली यहाँ पे सिंपली ड्रैग करके रख सकते हैं। तो इस प्लगइन का मैं आपको नाम बता देता हूँ, इस प्लगइन का नाम है क्लासिक विजेट। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको अपीयरेंस जो हमारा आपका प्लगइन का अपीयरेंस इस तरह से दिखेगा, जिसमें आप सिंपली ड्रैग करके कोई भी चीज आप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सर्च बार रखना है तो यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे डन, जैसे आप सर्च बार डन करेंगे तो यहाँ पे आपका देखेंगे तो आपका जो लुक वाइज किस तरह से दिखेगा। अभी रिफ्रेश करके दिखा तो देखिए हमारा यहाँ पे सर्च बार आ चुका है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो साइड बार है ये काफी छोटा दिख रहा है यहाँ पे, और ये भी काफी छोटा दिख रहा है। उसका रीजन ये है क्योंकि हमने अभी सेटअप नहीं किया है हमारे पेज का, हमारे जो ब्लॉक्स के पेज हैं किस तरह से दिखने चाहिए वो हमने सेटअप नहीं किया है। अभी हमको इसको फिक्स करना है कि हमारा जो विड्थ है थोड़ा और ज्यादा बड़ा दिखे और इसके साथ साथ साइड बार और थोड़ा सा राइट साइड में दिखे। देखिए यहाँ पे स्पेसिंग काफी ज्यादा है, इसको हम फिक्स करेंगे। सिंपली कस्टमाइजेशन में जाएंगे, आपको सिंपली चले जाना है ग्लोबल में। ग्लोबल के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंटेनर है, ये देखिए कंटेनर हमारा किस तरह से कंटेनर दिखना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे कंटेनर बॉक्स सेट है, तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे क्योंकि अभी हम बढ़ा रहे हैं तो किस तरह से अभी ये दिखेगा, दिख रहा है आपको, ये बढ़ गया, इसका जो एरिया है वो बढ़ चुका है। अगर मैं इसको नैरो कंटेनर वाइड भी हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ से आप डायरेक्टली टाइप करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली पब्लिश करेंगे, मैं बंद कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो नैरो जो था यहाँ पे जगह स्पेसिंग था वो काफी कम हो चुका है, अभी ये काफी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अच्छा दिख रहा है इन द सेंस आपको काफी जगह मिल गया, आपको एड लगाने का जगह मिल गया, उसके साथ साथ नैरो जो बहुत ज्यादा स्पेसिंग था वो पूरा यूज हो चुका है। वापस हम चले जाएंगे विजिट वाले सेटिंग में। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे लगाना है मेन साइड बार में तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे रिसेंट पोस्ट आपको लगाना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे रख देंगे सर्च बार के नीचे। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना कितना रिसेंट पोस्ट दिखाना है आपको। यहाँ पे डिस्प्ले पोस्ट डेट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डिस्प्ले पोस्ट का डेट भी दिखेगा। ठीक है, जब वो पोस्टिंग हुआ रहेगा उसका डेट भी दिखेगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ सेव। अभी फिर से हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए डेट के साथ हमारा जो हमने रिसेंट पोस्ट जस्ट हमने ये जो पोस्ट लिखा था सीखने के लिए किया था तभी ये पोस्ट पब्लिश किया था, तो ये पोस्ट का डेट दिखा रहा है। यहाँ पे इस तरह से जितने भी पोस्ट रहेंगे आपके वेबसाइट पे उसमें से 5 पोस्ट जो रिसेंटली पब्लिश किया आपने वो यहाँ पे दिखेंगे। आप उस पोस्ट का नंबरिंग बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे फोटो भी आए इस पोस्ट का तो उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप कमेंट करेंगे तो मैं उस हिसाब से उसके वीडियो भी बनाऊंगा।
यहाँ पे देखिए दो डबल रिसेंट पोस्ट हो गया। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक आधी रिसेंट पोस्ट लगा रहेगा। ये देखिए ये सारे कोड ऑलरेडी लगे हुए हैं, आप सिंपली इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। आप डिलीट करके सिंपली आपको जो चाहिए यहाँ से रख सकते हैं। जैसे कि हमको चाहिए यहाँ पर, अगर हम नेविगेशन मेन्यू लगाना चाहते हैं यहाँ पे मेन बार एड विजिट, यहाँ पे कौन सा मेन्यू लगाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ अपना फुटर मेन्यू, यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हैं मेन्यू या फिर जो भी है फुटर मेन्यू। सेव करेंगे, सिंपली रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मेन्यू है यहाँ पे दिख रहा है। कुछ यहाँ पे आपको कोई इमेज दिखाना है यहाँ पे, तो आप इमेज भी दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इमेज यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे कौन सा इमेज आपको दिखाना है आप वहां पर दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे वर्डप्रेस का इमेज दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लिंक यूआरएल भी दे सकते हैं। कोई भी इस पे क्लिक करेगा इमेज पे तो आपका जो यूआरएल है वो कहाँ पे जाना चाहिए वो भी। सपोज कि मैं यहाँ पे इस समय मेरा एक्स वाई जेड एक वेबसाइट चालू है तो मैं उसको दे देता हूँ यहाँ पे। देखते हैं हमारा जाता है कि नहीं यूआरएल। डन, सिंपली रिफ्रेश। ये देखिए हमारा जो इमेज है वो आ चुका है। जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे देखिए हमारा एक्स वाई जेड जो वेबसाइट है हमने यहाँ पे खोल के रखा है उस पर रिडायरेक्ट हो गया। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाया था और साथ साथ ही मैंने आपको फोन नाइन का जो वेबसाइट है वो पूरा ट्यूटोरियल को कवर करने के लिए बनाया था। गाइज मैंने ये पूरा का पूरा जो ट्यूटोरियल है एक प्लेलिस्ट में डाल दिया जिसका नाम है ब्लॉगिंग ए टू जेड, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसके बाद और भी कुछ आपको ऐड करना है तो जैसे कि कोई रिसेंट कमेंट करना चाहता है वही आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कुछ आप टैक्स में लिखना चाहते हैं या फिर आपको कुछ एचटीएमएल या फिर ऐड लगाना है यहाँ पे एचटीएमएल के बेसिस पे। और गाइस मैंने साइड बार में ऐड कैसे लगाते वो भी एक वीडियो उसका सेपरेटली बनाया है, आप वो भी जाके देख सकते हैं हमारे गूगल एडसन के ट्यूटोरियल के वीडियो में। कैटेगरीज यहाँ पे डालना है तो कैटेगरीज भी डाल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कैटेगरीज हमारे डिस्प्ले होते रहते हैं यहाँ पे, तो वो भी दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं डिस्प्ले ड्रॉपडाउन मेन्यू यहाँ पे कैटेगरीज जितने भी हैं इस पे बने रहेंगे वो सब दिखेंगे। फिलहाल तो मैंने अभी कैटेगरी साइज से नहीं बनाया यहाँ पे एक भी। ये देखिए अनकैटेगराइज ऑलरेडी एक ही है, चलो एक बना ही लेते हैं फोन नाइन कैटेगरी का। यही कॉपी कर लेते हैं इसको, देखो कैसे दिखता है। दो बना लेते हैं ऐड कैटेगरी और यहाँ पे बना लेता हूँ एक सिंपली ऐड। अभी जब मैं रिफ्रेस करूंगा इसको तो आपको देखिए यहाँ पे कैटेगरीज आ गया। देखिए कैटेगरीज आ गया अनकैटेगराइज्ड और सेलेक्ट कैटेगरी, क्योंकि अभी हमारा जो कैटेगरी है यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे देखिए अनकैटेगराइज्ड आ रहा है। इसका रीजन एक ही है कि अनकैटेगराइज में ऑलरेडी पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है। अगर सपोज कि हमने और सारे जो कैटेगरीज बनाए उसके अंदर भी हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो कैटेगरी, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे क्विक एडिट करके कुछ पोस्ट को हमारे उस कैटेगरीज में डालने पड़ेंगे तभी जाके वहाँ पे वो कैटेगरीज दिखेंगे क्विक एडिट। ठीक है, अभी हमने डाल दिया। अभी यहाँ पे सिंपली रिफ्रेस करेंगे तो देखेंगे तो हमारा ये जो कैटेगरीज है यहाँ पे भी विजिबल होगा, क्योंकि वो इसके वजह से नहीं दिख रहा था क्योंकि हमारा वहाँ पे कोई भी पोस्ट उस कैटेगरीज में प्रेजेंट ही नहीं था, इसके वजह से यहाँ पे नहीं दिख रहा था। ठीक है, अगर वापस से हम यहाँ पे चले जाएंगे विजिट वाले सेक्शन में कैटेगरीज के ऑप्शन में, सो काउंट यहाँ पे इस पर भी कर देंगे कितना पोस्ट का काउंट है वो भी दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली सेव करेंगे। अभी हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितने कितने पोस्ट हैं यहाँ पे सब दिख रहा है। ठीक है, कौन से कैटेगरीज में कितने पोस्ट हैं वो भी दिख रहा है। और गाइज मैं आपको इन फ्यूचर ये भी बताऊंगा कि किस तरह से हम अलग अलग पोस्ट में मल्टीपल साइड बार किस तरह से लगा सकते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा इन फ्यूचर। उसके लिए आप अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें और ऐसे वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।